अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन का पहला भाग। इसने पूछा है पश्चिमी हिंदी की बोलियों का संक्षिप्त परिचय। पश्चिमी हिंदी में हम जानते हैं 6 बोलियों को शामिल किया जाता है, पर जो संक्षिप्त परिचय पूछा है वो हमें प्रमुख बोलियों का पूछा है। तो पहले तो हम पश्चिमी हिंदी का परिचय दे देंगे। परिचय कैसे? इसका विकास शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ है, ये हम परिचय में इसके बता देंगे। इसके बाद में पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियों को शामिल किया जाता है, इसी तरह से डायग्राम बना करके उसमें बता देंगे। जैसे ब्रजभाषा, दूसरा खड़ी बोली, तीसरा बुंदेली, चौथा कन्नौजी, पांचवा हरियाणवी या हरियाणी, छठा दक्कनी। अब इसने पूछा है, देखो पेंच ये है कि ये प्रमुख बोलियां पूछा है, तो प्रमुख बोलियों में हम ब्रजभाषा, खड़ी बोली और दक्कनी हिंदी को शामिल करते हैं। पर क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा व्यक्ति कौन से बोलियों का परिचय देगा, तो हम 6ों का परिचय हल्का हल्का देख लेंगे, ताकि जो जिस व्यक्ति को जो सहूलियत लगे वो उस भाषा का परिचय यहाँ पे दे दे। तो सभी का परिचय देना तो शायद संभव नहीं है, एग्जाम में कह रहा हूँ, क्योंकि सभी का परिचय देने लोगोगे तो 500 शब्द चाहिए, और 500 शब्द लिखोगे तब तक 4 क्वेश्चन छूट जाएंगे, और 4 क्वेश्चन छोड़ना कभी वर्दी नहीं, इतनी जगह भी नहीं होती है कॉपी के अंदर। तो पहली बोली के रूप में यहाँ लेते हैं ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा की विशेषता क्या है? ओकारांत बहुला भाषा। तो इसकी विशेषताओं में आयो गयो जैसे शब्दों को ले सकते हैं। दूसरी विशेषता है ड, इसको र करने की प्रवृत्ति है, जैसे लड़का को लड़का। तीसरी विशेषता हो जाएगी इसकी ण को न करने की प्रवृत्ति, जैसे कारण को कारण। चौथी विशेषता हो जाएगी इसकी नपुंसक लिंग भी है इसके अंदर, कहीं कहीं हमें नपुंसक लिंग भी देखने को मिलता है, 3 लिंग है। फिर पांचवी विशेषता इसकी हो जाएगी वर्तमान काल में त रूप चलता है, वर्तमान काल के लिए त रूप, जैसे कहत नटत रीजत खीजत, ये सब में पीछे त आ रहा है तो ये त रूप भी चलता है। एक और छठी विशेषता देख लेते हैं, वो है महाप्राण ध्वनियों का अल्प प्राणीकरण। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रखना, तो इसको ये क्या बोलेंगे? रखना। तो इस तरह से ये परिचय हो गया हमारा पश्चिमी हिंदी की एक बोली ब्रजभाषा का। अब दूसरी बोली के रूप में लेते हैं खड़ी बोली। खड़ी बोली के अंदर क्या विशेषताएं? सबसे पहले अगर परिचय देना हो तो खड़ी बोली का क्या देंगे? दिल्ली और इसके आसपास का क्षेत्र। दूसरा, वर्तमान जो हिंदी है वो इसी को आधार बनाकर खड़ी हुई है, वर्तमान हिंदी ने अपना महल है वो खड़ी बोली के ऊपर ही बनाया है, खड़ी बोली उसका आधार है, जिस आधार पे आज की हिंदी खड़ी हुई है। तो इसकी विशेषताओं में क्या क्या देखा जा सकता है? पहला है, इसको औ बोलेंगे, ऐ बोलेंगे, इनको ए और ओ करने की इसके अंदर प्रवृत्ति है। वैसे तो ये औरत है, लेकिन खड़ी बोली में इसको औरत बोला जाता है। इसी तरह से दूसरी विशेषता हो जाएगी इसको न को ण करने की प्रवृत्ति। इसका एक उदाहरण हो जाएगा पानी, इसको बोलेंगे ये पानी। तीसरी विशेषता हो जाएगी ल को ळ करने की प्रवृत्ति। देखो ये जो ध्वनि है ये हमें मराठी से मिली है, तो जैसे काला, इसको बोलेंगे ये काला। देखो अब हरियाणवी या खड़ी बोली के आसपास, तो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है, वो काला ही बोलते हैं किसी को बोलते हैं, तो थोड़ा हरियाणवी का प्रभाव भी है। तीसरी विशेषता हो जाएगी इसकी र को ड बनाने की, जैसे छप्पर, इसको क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे छप्पड़, इस तरह से। एक और विशेषता के रूप में स्वर भक्ति भी यहाँ पे पाई जाती है। तो स्वर भक्ति में क्या करेंगे? ये जो स्कूल होता है इसको ये क्या बोलेंगे? स्कूल। देखिए ये दरअसल हरियाणवी का प्रभाव हो सकता है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र में हरियाणा भी पड़ता ही है, तो हरियाणा का भी प्रभाव है इस बोली पे। तो स्वर भक्ति जब हरियाणवी में पढ़ेंगे तो हरियाणवी में भी ये प्रवृत्ति
हमें दिखेगी। एक और विशेषता इसकी है आकारांतता, जैसे जाना आना पीना खाना ऐसे सब में आ आ आ बहुत ज़्यादा आता है। इसी तरह से तीसरी प्रमुख बोली के रूप में हम यहाँ दक्कनी को देख लेंगे। तो दक्कनी की भाषागत विशेषताओं में सबसे पहली है अल्प प्राणीकरण की प्रवृत्ति। अल्प प्राणीकरण कैसे, जैसे आप बोलते ना मुझे, तो ये बोलेंगे मुझे। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, अनुनासिकता। अनुनासिक जरूरी नहीं है तब भी ये अनुनासिकता कर देते हैं, अनुनासिक शब्द बना देते हैं, जैसे बात, तो ये बोलेंगे बाता, अनुनासिकता आ गई ये। इसी तरह से ध्वनि विपर्य भी पाया जाता है यहाँ पे, जैसे किसी शब्द को उलट फुलट करके बोलना, जैसे लखनऊ है इसको ये बोलेंगे नखलऊ, कीचड़ को ये बोलेंगे चीकड़। तो ये ध्वनि विपर्य की कौन सी ध्वनि कहाँ लेके चले गए, इस तरह से ये इसकी ध्वनिगत विशेषताएं भी हैं। एक और जो मुख्य विशेषता है जिसे हमें लिखना ही चाहिए कि इस बोली ने अपनी जो शब्दावली है वो कहाँ से समृद्ध की है, एक तो फारसी से, दूसरी दक्षिण की द्रविड़ भाषाओं से और तीसरी खड़ी बोली से या पश्चिमी हिंदी से। इन सब को मिला करके इसने अपनी शब्दावली है उसको समृद्ध किया है। तो ये हो गया दक्षिणी का परिचय। इस तरह से दक्षिणी के परिचय के बाद में, क्योंकि मुख्यतः तीन बोलियों का परिचय तो हमने ले लिया है, पर क्योंकि छह बोलियां हैं छहों का परिचय हल्का हल्का अपने पास होना चाहिए, तो चौथी के रूप में हम ले लेते हैं यहाँ पे बुंदेली। बुंदेली की मुख्यतः या छोटी मोटी विशेषताएं जो है उसमें सबसे पहला है अल्प प्राणीकरण, अल्प प्राणीकरण दूध, इसको बोलेंगे दूध। इसी तरह से दूसरी विशेषता हो जाएगी र को र करने की प्रवृत्ति, जैसे लड़का, इसको बोलेंगे लड़का। तीसरी विशेषता हो जाएगी स को छ बनाने की प्रवृत्ति, सड़क, छड़क। चौथी विशेषता के रूप में ह ध्वनि का लोप हो जाता है, जैसे रहना, इसको बोलेंगे रहना, रहना ऐसे बोलेंगे कैसे बोलेंगे जैसे बोलेंगे, लेकिन ह का लोप कर देंगे। कहीं कहीं पे ह ध्वनि का ह ध्वनि को स्वर में बदल देते हैं, जैसे हैं, इसको बोल देंगे ऐ। इस तरह से इसकी कुछ विशेषताएं हमने देख ली। पांचवी बोली के रूप में अब देख लेंगे कन्नौजी को। कन्नौजी कन्नौज के क्षेत्र में बोली जाती है, तो इसकी विशेषताएं उकारांत बहुला भाषा, उकारांतता। पहली विशेषता है उकारांतता, जैसे रामू, श्यामू, इस तरह से नाम रखते हैं ये। दूसरी विशेषता हो जाएगी ह का लोप, देखो ऊपर वाले में भी ह का लोप होता है, यहाँ पर भी ह का लोप होता है, सेम एग्जाम्पल कुछ ऐसे तरह से लिख सकते हो। तीसरा हो जाएगा महाप्राण ध्वनि का अल्प प्राणीकरण, यहाँ भी अल्प प्राणीकरण हो रहा है, यहाँ भी अल्प प्राणीकरण हो रहा है, तो ऐसा एग्जाम्पल लिख सकते हैं, कुछ और मिल जाएगा वो। चार नंबर पे इसका एक हो जाएगा स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई और ईया प्रत्यय का प्रयोग इसके द्वारा किया जाता है, लड़कियाँ, लड़की, लड़कियाँ, इस तरह से। तो ये हो गई हमारे पास पांच बोलियों का परिचय। एक और बोली बच गई है, वो हरियाणवी या हरियाणी। इस बोली की जो क्षेत्र है वो हरियाणा क्षेत्र है। इसकी कुछ विशेषताओं में हम देखें, इसकी पहली विशेषता हो जाएगी न को अणा पढ़ना, जैसे जानता हूँ, तो हरियाणवी क्या कहेगा, जानता हूँ, पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, स्वर भक्ति, स्वर भक्ति, ये है स्कूल, कहेंगे क्या इसको, स्कूल। तीसरी विशेषता हो जाएगी ड को ड पढ़ने की प्रवृत्ति, जैसे बड़ा भाई, तो ये पढ़ेंगे बड्डा भाई। तीसरा ढ को ढ पढ़ने की प्रवृत्ति, जैसे ये लिखना है, लिखा हुआ है पढ़ना, पर बोलेंगे क्या, पढ़ना, ये ढ को ढ पढ़ेंगे, इस तरह से। ये कुछ विशेषताएं होगी इसकी।
अगला क्वेश्चन है, देखो थोड़ी बदमाशी तो है इनकी, दक्कनी हिंदी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ अलग तरीके से, कुछ प्रमुख विशेषताएं पूछी है तो अलग तरीके से इसको मैनेज करेंगे। तो दूसरे का बी पार्ट है दक्कनी हिंदी। यहाँ आंसर लिखने के लिए सबसे पहले देख देंगे इसका परिचय, देखो परिचय थोड़ा बहुत सेम आ सकता है। दूसरा लिखेंगे इसकी प्रवृत्ति, तो भाषा की प्रवृत्तियाँ क्या है, तो इस प्रवृत्ति में लिखेंगे कि इसने दक्षिणी द्रविड़ भाषाओं से अपने शब्दावली इकट्ठी की है, फारसी से भी कुछ शब्दों को अपने अंदर शामिल किया है। तीसरा का तीसरा इसके अंदर लिख देंगे एक आरोप लगता है इस पे, वो आरोप के बारे में लिख देंगे। आरोप क्या है, फारसी से शब्दावली लेने के कारण इसके ऊपर आरोप लगता है कि ये उर्दू की कोई एक बोली है। वैसे तो दक्कनी को पश्चिमी हिंदी की एक बोली के रूप में जाना जाता है, पर इसके ऊपर उर्दू होने का आरोप भी लगता है। उस आरोप से दूर जा करके हम एक यहाँ पे कोट कर देंगे, तो एक दक्कनी के कवि ने कहा है, जो फारसी समझे नहीं समझे इसे खुश होकर, तो उसका एक कोट इस्तेमाल कर लेंगे तो और बढ़िया हो जाएगा। फिर चौथी विशेषता के रूप में इसका साहित्य, साहित्य में वली इसके कवि हैं, वली का एक कोट हमें याद रहता है, याद रखना ही है, जिसे इश्क का तीर कारी लगे उसे जिंदगी क्यों ना भारी लगे, वली को कहे जो तू एक वचन रकीबों के दिल में कटारी लगे। तो उस कोट का यहाँ पे इस्तेमाल जरूर कर लेना चाहिए साहित्य में। पांचवी एक विशेषता और डाल देनी चाहिए, भाषागत विशेषताएं। अब बताइए भाषागत विशेषताएं क्या हो सकती है। अब मेरे हिसाब से तो हमें हमने यहाँ पे ऊपर प्रमुख बोलियों का परिचय पढ़ा था, वहाँ भाषागत विशेषताएं कुछ पढ़ी थी, उनमें से दो से तीन इस्तेमाल कर लेनी चाहिए, ज़्यादा नहीं करनी चाहिए क्योंकि रिपीटेशन होगा ही। तो उदाहरण अलग करके और वही शब्द वही भाषागत विशेषताएं हैं इस्तेमाल कर लेनी चाहिए। अब आता है दूसरे का सी। दूसरे का सी कह रहा है अवधि की व्याकरणिक विशेषताएं बताइए। दरअसल अवधि की व्याकरणिक विशेषताएं बताना मुश्किल है क्योंकि अवधि और हिंदी तो लगभग सेम व्याकरण के साथ विकसित हुई है, पर फिर भी हमें अब जब व्याकरणिक विशेषताएं पूछी है तो जो व्याकरणिक विशेषताएं हमें पता है उन्हीं को मैनेज करके हमें लिखना है। अब अवधि का सामान्य परिचय क्या देंगे कि अवध क्षेत्र की है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित भाषा है और अवध और इसके आसपास के क्षेत्र में ये बोली जाती है। फिर इसकी व्याकरणिक विशेषताएं, पांच व्याकरणिक विशेषताएं लिख देंगे तो आंसर पूरा हो जाएगा। तो व्याकरणिक विशेषताओं में पहले क्या लिखेंगे, लिंग, संस्कृत में तीन थे उससे इसने दो किए। दूसरी विशेषता हो जाएगी वचन, वचन संस्कृत में तीन थे इसने दो किए। तीसरी विशेषता लिखेंगे हम कारक व्यवस्था, कारक व्यवस्था इसने विभक्तियों की जगह उपसर्गों को अपनाया। ठीक है, चौथी विशेषता के रूप में हम संज्ञा के इसके अंदर जो तीन रूप मिलते हैं वो बता देंगे, संज्ञा के इसमें तीन रूप मिलते हैं। पांचवा पॉइंट के रूप में इसके अंदर क्रिया व्यवस्था को देख लेंगे। क्रिया व्यवस्था में वर्तमान काल की क्रिया में बो और इबो प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, खाई बो जाई बो रई बो, इस तरह से वर्तमान काल के लिए बो रिबो प्रत्यय, दूसरा फिर भविष्य काल के लिए बो प्रत्यय खाइब जाइब राइब रहीब, इस तरह से तीसरा हो जाएगा भूतकाल के लिए, भूतकाल के लिए यहाँ पे होता है नहा नहीं नहा, जैसे तिन्हा दिन्हा। ये दिन्हा तिन्हा तो हमने वैसे जायसी के पास जायसी की रचना पद्मावत में देखते हैं, दिन्हा दिन्हा जैसे शब्द का इस्तेमाल होता है, तो वो भविष्य काल को बनाने के लिए दिन्हा जैसे प्रत्यय का प्रयोग कर लिया जाता है। इस तरह से हमने अब आज ये तीनों क्वेश्चन दूसरे के तीनों पार्ट देख लिए।